Hello class first, welcome to Child Care International School. I'm your class teacher Arati Vashish. Today we'll start our EVS book chapter number 4, looking after my body. अब हम अपने बॉडी की देखभाल कैसे कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू हम सीखेंगे. Saina's pet kitten is in her bathtub. Saina is singing a song for her. तो साइना की जो पेट है वो है किटन है. किटन क्या होता है? कैट का बेबी. तो उसने उसको पाला हुआ है, ठीक है. तो साइना उसके लिए गाना गा रही है. I'll wipe you clean with this dull blue. Your milk and bread are waiting for you. She's saying कि मैं आपको साफ करूँगी इस ब्लू कलर के टॉवल से और आपका मिल्क और ब्रेड आपके लिए वेट कर रहा है. Our body is important to us. We must look after it in every day. A clean body is a healthy body. We must follow good habits to stay healthy. हमारा जो शरीर है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें डेली इसकी देखभाल करनी चाहिए. डेली रूटीन में उसे साफ रखना चाहिए क्योंकि साफ बॉडी ही स्वस्थ बॉडी का चिन्ह है. तो हमें ये गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए जो हमें हेल्दी बना के रख सकती है. ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. हमें ब्रश करना चाहिए सुबह और सोने से पहले. बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप. वाइप योर सेल्फ ड्राई विद अ क्लीन टॉवल. हमें डेली बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए साफ पानी और साबुन से और अपने शरीर को पोंछ लेना चाहिए साफ और सूखे टॉवल से. कॉम्ब योर हेयर एवरी डे. ऑयल इट वंस अ वीक. हमें अपने बाल डेली कंघे से बनाने चाहिए और उनके अंदर तेल डालना चाहिए हफ्ते में एक बार ज़रूर. वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर मील एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. और हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बाद भी. Eat your meal on time. Eat healthy food. हमें अपना खाना टाइम पे खाना चाहिए और एक हेल्दी खाना लेना चाहिए. हेल्दी खाना मीन्स चावल, रोटी, दालें, सब्जियां, जूस, फ्रूट्स, राइट. इस तरह की डाइट अपने मील में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है. फास्ट फूड हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए. फास्ट फूड होते हैं हमारी बाहर का खाना जैसे कि चिप्स, बर्गर, पेटीज और चाउमीन, समोसा. दीज आर फास्ट फूड which we guys have to ignore a little. हमें ये कम खाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि हमें खाना ही नहीं चाहिए. हम लोग टेस्ट के लिए इसको महीने में एक बार खा सकते हैं अपना टेस्ट चेंज करने के लिए, बट डेली बेसिस पे हमें ये सब नहीं खाना चाहिए. वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ. चेंज योर क्लोथ बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट. हमें साफ और प्रेस्ड किए हुए कपड़े पहनने चाहिए और सोने से पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, दूसरे कपड़े पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो और लूज़ हो. सोते टाइम हमें टाइट कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स तो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रॉक्स ये सब पहनते हैं ना, तो ये सब पहन के हमें नहीं सोना चाहिए, ठीक है. हमें अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. अगर हम रात को एक कंफर्टेबल नींद नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं. इसलिए हमें अच्छे से सोना चाहिए, खुला होके सोना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि हमें नींद आए, राइट स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट पेज. नेल्स ग्रो फास्टर इन समर देन इन विंटर. जो हमारे नाखून हैं वो समर्स में ज़्यादा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर, ठीक है. सर्दियों के मुकाबले समर्स यानी गर्मियों में ज़्यादा बढ़ते हैं. फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन टो नेल्स. फिंगर्स के जो नेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टो नेल्स, यानी कि जो हमारे पैर के अंगूठे हैं वो कम बढ़ते हैं और उंगलियों के नाखून ज़्यादा बढ़ते हैं. ट्रिम योर नेल्स वंस अ वीक. कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन. हमें अपने नेल्स हफ्ते में एक बार काट लेने चाहिए और उनको छोटा और साफ रखना चाहिए. स्लीप ऑन टाइम. स्लीप बिफोर एटलीस्ट एट स्लीप फॉर एटलीस्ट एट आवर्स अ नाइट. हमें समय पर सोना चाहिए और कम से कम 8 घंटे रात में एक अच्छी नींद लेनी चाहिए. ग्रैंडमा सेज प्लेइंग इंडोर गेम इंक्रीज आवर नॉलेज एंड मेक्स अस स्मार्टर. तो ग्रैंडमा कहते हैं इंडोर गेम यानी कि वो गेम्स जो घर में खेले जाते हैं वो हमारी नॉलेज बढ़ाते हैं और हमें बुद्धिमान बनाते हैं. क्या होते हैं हमारे इंडोर्स गेम? जैसे कि सांप सीढ़ी हो गया और लूडो हो गया,
चेस हो गया, इस प्रकार के गेम को हम इंडोर बोलते हैं जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स होते हैं हमारे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड दैट बैडमिंटन, राइट। दीज टाइप ऑफ गेम्स आर आउटडोर गेम्स। एक्सरसाइज एवरी डे एंड प्ले आउटडोर गेम्स, दे विल मेक यू हेल्दी एंड एक्टिव। एक्सरसाइज अगर हम व्यायाम हम हर रोज़ करते हैं और बाहर आउटडोर के गेम्स खेलते हैं तो वो हमें हेल्दी और एक्टिव बनाए रखते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर गाइज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।